बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे नंबर्स को लिखते हैं, ऑर्डिनरी नंबर्स को। आज हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ लॉगरिथम। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है कि 2 पावर 2 इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये तो हमें मालूम था कि 2 की पावर 2 लगाएंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। लेकिन अगर इन केस हमारे पास 4 गिवन हो और हमें ये मालूम करना हो कि किस नंबर पर कितनी पावर लगाई है कि 4 आया है, तो वो चेक करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो लॉगरिथम कहलाती है। ठीक है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉग में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जनरल हम नंबर लेते हैं a पावर x इज़ इक्वल्स टू y। ठीक है, यहाँ पे हमें मालूम है कि ये जो हमारे पास a है ये है हमारा बेस, ये जो x है ये है एक्सपोनेंट, और जो y है ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, इसे हमने चेंज करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करने के लिए जो आपकी बेस है वो लॉग की बेस ही होगी, और लॉग की बेस हमेशा इसके नीचे की साइड पर लिखी जाती है। तो यानी ए आप यहाँ लिखेंगे, ये जो नंबर आपका आंसर आ रहा है इसको आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और ये जो आपका एक्सपोनेंट है ये आपने रखना है राइट साइड पर। ठीक है, तो देखेंगे आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो लॉगरिथम फॉर्म में चेंज हो गई है। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लिखा हुआ है अगर 5 पावर 2 इज़ इक्वल्स टू 25, आपने इस फॉर्म को लॉग में चेंज करना है, तो आप इसे लिखेंगे लॉग, बेस कितना है 5, यहाँ पर आंसर आएगा 25 और राइट साइड पे आएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 6 पावर 3 लगाएंगे तो आंसर आता है 216, और इसे लॉग में चेंज करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा लॉग, बेस हो जाएगा 6, 216 यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा और राइट साइड पे हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, यानी अब हमने देखा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है a पावर 0, तो हमें मालूम है कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको हम लॉग में चेंज करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग, बेस हो जाएगी इसकी a, और यहाँ पर होगा 1 इक्वल टू 0। मीन अगर कहीं पर भी किसी बेस के साथ आपके पास लॉग 1 आ जाता है तो उसका आंसर 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली, अगर हमारे पास लिखा हुआ a पावर 1, तो ये इक्वल टू होगा a के। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है लॉग में तो हम लिखेंगे लॉग, बेस हमारा a है और यहाँ पर आंसर भी a है, और दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट यानी 1। यानी अगर कहीं पर आपके पास लॉग का बेस और नंबर जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो आंसर 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये जो हम लॉग लिख रहे हैं, नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो लॉग बेस 10 होता है, क्योंकि हमारे पास जो डिजिट सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेसिमल सिस्टम है, जिसमें 0 से लेके 9 तक के डिजिट 10 डिजिट शामिल होते हैं, जिनको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो नॉर्मल लॉग यूज़ होता है वो लॉग कॉमन लॉग कहलाता है। एक होता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में जो बेस होती है वो 10 होती है, और नेचुरल लॉग जिसको ln कहते हैं उसकी बेस जो होती है वो e होती है। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल। चले अब हम देखते हैं कि हमने अगर कोई टर्म गिवन है और हमें उसका लॉग निकालना है तो हम किस तरीके से लॉग फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द कॉमन लॉग थम। अच्छा, किसी भी लॉग के दो हिस्से होते हैं, एक उसका इसका जो होता है वो होता है मैंटिसा और एक हिस्सा होता है करैक्टरिस्टिक। अच्छा, अब करैक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है। हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा थे। साइंटिफिक नोटेशन में हमने देखा था कि हमारे पास जो पॉइंट है वो एक्चुअली कहाँ पर होना चाहिए, अगर हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये हमने देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नोन डिजिट के बाद आपका पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट की जो पोजीशन है उसको हम कहेंगे रेफरेंस पोजीशन, और जहाँ पर पॉइंट मौजूद है वो उसका उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। आपने अपने पॉइंट को इस रेफरेंस पोजीशन में लेकर आना है जब आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो जब हम कॉमन लॉग निकालने रहे होते हैं तो हमें करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए ये देखना है कि आपके रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के बीच में कितने डिजिट्स हैं, जितने डिजिट होते हैं वो आपका करैक्टरिस्टिक बन जाता है। ठीक है, यानी यहाँ देखिए रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है, पॉइंट इसके राइट साइड पर है, तो आपके पास पॉजिटिव 2 आ गया करैक्टरिस्टिक। रेफरेंस पोजीशन पे अगर पॉइंट राइट साइड पर होगा तो आपका जो करैक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा। अब मैंटिसा आपने देखना है। मैंटिसा किस तरह से देखना है आपने, मैंटिसा के लिए आपकी बुक के लास्ट में लॉग टेबल बना हुआ है, उस लॉग टेबल में आपने जाना है और उस लॉग टेबल से आपने इस नंबर को वहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसमें 4 नंबर जो होते हैं वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब ये 4 नंबर आपने किस तरह से चेक करना है, लॉग बुक जो है उसमें आपको डिजिट जो हैं वो 10 के बाद से नज़र आना शुरू होंगे, यानी 2 डिजिट्स नंबर जो हैं वो
स्टार्ट हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे 23 के कॉलम में जाएंगे आप, 23 के बाद आपने उसी के 2 कॉलम में जाना है, ऊपर लिखा होगा 0, 1, 2, तो आपने 2 वाले कॉलम के 23 के सामने देखनी है कि वैल्यू कितनी है, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी उसके साथ आपने 9 का डिफरेंस वाला कॉलम चेक करना है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है 23 के 2 में अगर हम चेक करते हैं तो वह आपके पास आती है, इसको मैं रफ वक्त में लिख रही हूँ यहाँ पे, ये आती है 3655, ठीक है। और अगर डिफरेंस के कॉलम में जाके मैं चेक करूँ तो वह आती है 17। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है, 12, 5, 6, 7 एंड 3, 6, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है मेंटिसा की वो आ रही है 3672। अब लॉग किस तरह से निकालेंगे आप टेबल से, आपने पहले मेंटिसा ये करेक्टरिस्टिक लिखना है, उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है और फिर अपना मेंटिसा लिखना है, ठीक है। तो ये आपका लॉग आ गया। आप इसको कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इनकेस कैलकुलेटर ना हो और आपके पास लॉग बुक हो तो लॉग बुक से आपने इस तरीके से देखना है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पार्ट 2 है हमारे पास 29.326। अब इसमें देखें, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक के लिए पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, 2 के बाद होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारी रेफरेंस पोजीशन होगी। इस रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट हैं, वो 1 डिजिट है। अब चूंकि ये राइट साइड पर है पॉइंट, तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव होगा। मेंटिसा के लिए अब हमें 4 डिजिट्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये 4 डिजिट। अब आपने लॉग बुक में जाना है और उसमें 29 सर्च करना है, 29 के सामने आपने कॉलम नंबर 3 में जाना है। अब ये थर्ड कॉलम नहीं है, जहाँ पर 3 लिखा हुआ होगा उसके नीचे वाले कॉलम में जाना है, वो कॉलम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने 3 वाले कॉलम में जाना है और वहाँ पे आपने उसकी वैल्यू चेक करनी है। और उसका आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 4669, ठीक है। फिर आपने जाना है डिफरेंस के 2 कॉलम में, वहाँ पर आंसर आ रहा है 4, ये आपने कर लेना है ऐड, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 7, 6, 4, तो मेंटिसा जो है वो आपके पास हो गया है 4673। अब जब लॉग लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, पहले आप करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, पॉइंट डालेंगे, फिर मेंटिसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लॉग आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 0.00032। अच्छा, अब देखें साइंटिफिक नोटेशन में पोजीशन कहाँ पर होती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक है। तो आपकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ 3 के बाद आ रही है। अब जो आपका रेफरेंस पोजीशन है और जो आपका पॉइंट है उसमें राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर मौजूद है, तो अब जब आप करेक्टरिस्टिक लगाएंगे तो वो आपका नेगेटिव होगा। कितने डिजिट्स हैं इन दोनों के बीच में, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट हैं, तो आप इसके ऊपर एक बार लगाएंगे, दैट मीन नेगेटिव करेक्टरिस्टिक। मेंटिसा के लिए अब आपको 4 डिजिट चाहिए, तो ये 0 जो होते हैं ये पहले निगलेक्ट कर दिए जाते हैं। अब आपने 32 और आगे 0 डिजिट नहीं है, तो आपने खुद से यहाँ पे 0 लगाना है। अब 32 के आप 0 में जाएंगे, जिसका आंसर आपके पास आ रहा है 5010। उसके आगे डिफरेंस में 0 कॉलम नहीं है, तो यही आपका मेंटिसा है, यानी मेंटिसा आपका आ गया है 5051। जब इसका लॉग लिखेंगे तो 4 ऊपर नेगेटिव साइन लगाएंगे, पॉइंट 5051, ठीक है, ये हमारा लॉग आ गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट में आपके पास है 0.3206। रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है, 3 के बाद। अब इन दोनों के बीच में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, लेकिन चूंकि वो उसकी लेफ्ट साइड पर है तो इसलिए आपने इसके ऊपर नेगेटिव बार लगाना है। मेंटिसा के लिए अब 4 डिजिट चाहिए, ये 4 डिजिट यूज करेंगे। लॉग टेबल के 32 में जाएंगे आप, 32 के सामने 0 वाले कॉलम में आपने चेक करना है और इसका आंसर आपके पास आ रहा है 5051, ठीक है। और उसके आगे डिफरेंस के कॉलम 6 में जाना है, जिसका आंसर आ रहा है आपके पास 8, ये आ रहा है 5051 और इसमें आ रहा है 8। इन दोनों को आप ऐड करेंगे और यहाँ पर मेंटिसा में लिखेंगे, ये रफ वर्क है, ठीक है, आपने फेयर कॉपी पर नहीं करना है इसको। नंबर 3 है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉग आर, यानी ये लॉग गिवन है, आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं कि लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3.5621, ठीक है। लॉग दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 3.5621, ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे एंटी लॉग के कॉलम में,
जहाँ पर लॉक का टेबल है उसके साथ ही एंटी लॉक का टेबल भी मौजूद है। आपने एंटी लॉक के टेबल में चेक करना है, और एंटी लॉक के टेबल में आपने किस तरीके से चेक करना है, अब ये पॉइंट से पहले आपका करेक्टरिस्टिक है इसको आपने निग्लेक्ट अभी फिलहाल के लिए छोड़ देना है। आप देखेंगे वहाँ 0.56 के आपने 2 के कॉलम में जाना है और उसके बाद डिफरेंस के 1 कॉलम में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आएगा इसके लिए, ये आपके पास आ रहा है रफ वक्त में, मैं इधर लिख रही हूँ, ये आता है 3648 और डिफरेंस में आता है 1, तो यानी ये ऐड करके बन जाएगा 3649। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे 3649। अब ये जो करेक्टरिस्टिक है अब आपने यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है इस करेक्टरिस्टिक को, आपकी जो रेफरेंस पोजीशन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। रेफरेंस पोजीशन में अब चूंकि ये करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड पर 3 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। और उसके बाद चूंकि 0 होता है तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, सेकेंड पार्ट ये है, इसको भी सेम उसी तरीके से आप लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, दैट लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/0.7427, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप क्या करेंगे इसके साथ, आपने इसे उधर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1/0.7427। ओके, अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक आपने छोड़ देना है और आपने क्या देखना है, आपने इसका ये वाला पार्ट देखना है, यानी 0.74 के आप 2 कॉलम में जाएंगे और डिफरेंस के 7 कॉलम में जाएंगे। रफ वर्क में लिख रही हूँ मैं, इसका आंसर कितना आता है, 74 के 2 में जाएंगे तो आंसर आता है 5521, डिफरेंस के कॉलम 7 में जाएंगे तो आंसर आता है 9। इन दोनों को कर लेंगे हम ऐड, तो ये हो जाएगा आपके पास 5530, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं 5530। अच्छा, अब आपका करेक्टरिस्टिक कितना है, नेगेटिव है, नॉन जीरो करेक्टरिस्टिक ये है, नॉन जीरो डिजिट 5 है, 5 के बाद यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन होनी चाहिए, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपके पॉइंट और उसके बीच में एक डिजिट है, तो पॉइंट यहाँ पर होगा और पॉइंट से पहले हम एक जीरो लगा देते हैं, तो आपका जो नंबर है जिसका आपने एंटी लॉग लिया था वो आपके पास है 0.5530, ठीक है। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको मजीद क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।